न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS News TV और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। फडणवीस के प्रशासन में पुलिस से नहीं डरते अपराधी, देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी मालवण प्रकरण में की रिपोर्ट के बाद पुलिस की कार्रवाई। महायुति सरकार में चरम पर पहुंच गया है भ्रष्टाचार, उद्धव ठाकरे। आई देखते हैं खबरें विस्तार से। फडणवीस के प्रशासन में पुलिस से नहीं डरते अपराधी, पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने किया दावा। मुंबई राकांपा शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में अपराधियों को अब पुलिस का डर नहीं लगता। उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के शासन में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। देशमुख का बयान बदलापुर के एक विद्यालय में 4 साल की दो लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न और पुणे में एक पुलिस अधिकारी पर क्वेटे से किए गए हमले की घटनाओं को लेकर उत्पन्न जनाक्रोश के बीच आया है। देशमुख ने एक बातचीत में कहा, गृह मंत्री के प्रशासन में राज्य में पुलिस का कोई डर नहीं रह गया, पुलिस को खुलेआम पीटा जाता है, अपराधियों के बीच पुलिस का डर होना चाहिए। देशमुख ने मांग की कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार के शक्ति कानून को यथाशीघ्र मंजूरी दे, जिसमें महिलाओं के साथ जघन्य अपराधों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी मालवण प्रकरण में की रिपोर्ट के बाद पुलिस की कार्रवाई। नागपुर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मालवण घटना को लेकर विपक्ष के हमलावर रुख के बीच बुधवार को कहा कि शरद पवार राज्य के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा नौसेना द्वारा तैयार की गई थी, राज्य सरकार ने तैयार नहीं किया है, बात पवार को पता है, कोई कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, उस पर हो रही राजनीति का शरद पवार क्या सभी को विरोध करना चाहिए, चुनाव को देखते हुए पवार जैसे नेता के लिए इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। नागपुर में बुधवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान फडणवीस ने कहा, मालवण घटना पर किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए, घटना निश्चित ही दुखद है। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। मायावती सरकार में चरम पर पहुंच गया है भ्रष्टाचार, उद्धव ठाकरे। मुंबई शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मुद्दे को लेकर बुधवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि महायुति सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। राकांपा के अध्यक्ष शरद पवार और कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले की मौजूदगी में यहां एक संवाददाता सम्मेलन में उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार का यह दावा करना बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि मालवण किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा तेज हवा के कारण गिरी है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों, ब्रेक कर से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News।